पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें। दरवाजा तुम खोलोगे या मैं जाऊं? अरे जाता हूं ना। तो जाओ। आप कौन? गुड इवनिंग सर, श्रीनिवास वागले जी का घर यही है ना? हाँ जी मैं ही हूँ। आप कौन? सर मैं नीलेश दास, बीआरओ गैस कंपनी से आया हूँ, आपके घर का गैस का पाइपलाइन चेक करने। पाइपलाइन चेक कर रहा है? क्यों? सर एक्चुअली इस लोकेलिटी से गैस लीकेज की बहुत ज्यादा कंप्लेंट आ रही है, इसलिए हम लोग हर बिल्डिंग में जाकर इंस्पेक्शन कर रहे हैं। अच्छा। हाँ सर। आने दो उसे अंदर, आ जाओ। पर राधिका, हम लोगों ने गैस लीकेज के बारे में तो कोई कंप्लेंट की ही नहीं थी। काका कौन है? वो ये बीआरओ गैस कंपनी से कोई आदमी आया है। हेलो मैम। देखो बच्चों, तुम्हारी माँ से कहना कि तुम लोगों के दादा दादी ना अभी तक जिंदा है, तो हर बात पे ना उसको चिंता करने की जरूरत नहीं है। बताओ उसे। अरे भाई, पर आपकी कंपनी से कोई हमें फोन तो नहीं आया, ना कोई मैसेज आया। सर वो काका शायद राजू को किया होगा, सारे गैस बिल उसी के नाम से आते हैं ना। मैं एक बार कॉल करके चेक करती हूँ। हाँ हाँ करो करो। अरे वेनु, ऐसा कुछ नहीं होता है। तनय लगा नहीं ना बेटा। पूछो क्या ये कोई साइन है? उठा नहीं रहा है राजू। दो मिनट की बात है मैडम, एक्चुअली गैस लीकेज की बहुत ज्यादा कंप्लेंट आ रही है, तो मुझे आज ही इंस्पेक्शन करके आज ही रिपोर्ट सबमिट करना है। अरे राजू को फोन करने की क्या जरूरत है? आओ आओ अंदर आओ, तुम आओ अंदर। हाँ भाई, गैस लीकेज के मामले में किसी तरह का कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए ना। बिल्कुल सही कहा आपने अंकल, बड़े बुजुर्ग एकदम सही कह के गए हैं, नजर हटी और दुर्घटना कटी। नहीं आई आई। आपके घर का गैस बर्नर ऑन है क्या? गैस की बदबू यहां तक आ रही है। नहीं, मुझे तो कोई बदबू नहीं आ रही। मुझे भी नहीं आ रही है। नहीं आ रही है। अरे क्या बात कर रहे हैं मैडम, ये देखिए, ये मैं दिखाता हूँ। ये देखिए, ये देखिए, ये सर ये देखिए। अरे बाप रे, ये देखिए, ये देखिए,
ये मशीन बता रहा है कि आपके घर में एलपीजी गैस के ट्रेसेस हैं। अच्छा, शायद आप लोगों को सूंघने से पता नहीं चलेगा, लेकिन हमारा तो रोज का काम है ना। किचन कहाँ है? कहाँ है किचन? ये किचन है, यहाँ है किचन। अरे बाप रे, ये देखिए। अरे संभालिए, कब से हो रहा है ये? पता नहीं, पहले तो नहीं था ये। नसीब वाले हैं आप कि कोई बड़ी दुर्घटना नहीं घटी, वरना आपको पता है बहुत बड़ी आग लग सकती है। देखिए ना, अनहोनी टल गई। अच्छा वहां आ गए। मैं अपने दोस्तों को अभी बुला लेता हूँ, तुरंत काम हो जाएगा, अभी काम हो जाएगा। एक मिनट काकू, दोस्तों को क्यों बुलाना है? मैम, ये मेरे अकेले के बस की बात नहीं है, बड़ा काम है, इसलिए उनको बुलाना पड़ेगा। हाँ, बुलाइए। जी जी, मैं अभी उनको बुला लेता हूँ। लेकिन माँ जी, आप प्लीज अंदर चले जाइए, क्योंकि ऐसी हवा में सांस लेना बुजुर्गों के लिए बहुत खतरनाक है, तो प्लीज आप लोग अंदर चले जाइए। चलो। मैम प्लीज, आप भी। सुनो, बुड्ढा बुड्ढी घर पे अकेले नहीं है, उनके साथ एक औरत भी है, तुम लोग जल्दी यहाँ जाओ। तुम लोग वो कौन से फ्लैट में जा रहे हो? वो क्या? हेलो, हाँ मंगत, तुम अपनी जगह पे क्यों नहीं हो? साहब, आप पानी की टंकी के पास जल्दी आ जाइए। साहब, मुझे पानी की प्यास नहीं लगी है, समझे तुम? साहब, आपको पानी नहीं पिला रहा, यहाँ कुछ गड़बड़ हो गई है साहब। बट क्या हुआ? आता हूँ। माय गॉड, हेलो, तो हे माय गॉड, ये मेरी सोसाइटी में क्या हो रहा है? मंगत, क्या हुआ मंगत? सर, आपने बोला था रूल के हिसाब से ठीक 7:30 बजे पानी की मोटर चालू कर देना। हाँ, तो मुझे लगा मुझे नींद आ जाएगी, तो मैंने 6 बजे ही मोटर चालू कर दी सर। तो 1.5 घंटे मोटर चलती रही और फिर जल गई सर। ओ माय गॉड, अब क्या होगा? अब पानी नहीं चढ़ेगा सर। ओ माय गॉड, अब मेरी प्यारी सुमेत हाइट सोसाइटी की जनता प्यासी रह जाएगी। यू आर फायर। ओके सर, मेरे आधे दिन की सैलरी इस QR कोड पे भेज दो सर। तो जो गेट आउट रंगत मंगत, गेट आउट। 1 मिनट, वापस आओ। तुम्हारा कोर्ट मार्शल अभी तक बाकी है, तुम इस वर्दी के लायक नहीं हो। Get out! Oh my God! जब तक तिवारी वापस नहीं आ जाता, मेरी प्यारी सुमेत और सनहाइट सोसाइटी की रक्षा मुझे ही करनी पड़ेगी। आप संभाल लेंगे सर। Get out! अरे विद्या के इतने मिस कॉल? काकू, आप बैठिए। राजू, हेलो। हाँ विद्या, क्या हुआ? राजू, वो कोई गैस सर्विसिंग वाला आया है चेक करने।
कह रहा था सोसाइटी में किसी ने गैस लीकेज की कंप्लेंट की है, इसलिए। तुमने की थी क्या कंप्लेंट? या फिर तुम्हें गैस कंपनी से कोई कॉल आया था उनके आने से पहले? एक मिनट, गैस लीकेज की कोई कंप्लेंट थी क्या? विद्या, स्टॉप। हाँ विद्या, गैस लीकेज की तो कोई कंप्लेंट नहीं की है। पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें।